एवरीवन वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे मील प्लान के बारे में जो बहुत ही सिंपल है, इजी है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है और जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज इस डाइट प्लान को मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी एक दिन की डाइट और उसकी रेसिपीज़ के साथ। सच कहूं तो मेरे दिन की शुरुआत लेमन वाटर के बिना हो ही नहीं सकती, सो आप भी अपना दिन शुरू करें पानी के साथ। लेमन सूट करता हो तो लेमन ऐड कर सकते हैं या एप्पल साइडर विनेगर, और चाहें तो प्लेन वाटर ही लें, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग सिस्टम की क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हाफ एन आवर आई हैव माई फर्स्ट मील बनाना। बनाना और लेमन वाटर दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं पूरे साल में एक भी दिन मिस नहीं करती। बनाना खाने से वेट बढ़ता है, इट्स जस्ट अ मिथ। इसे बाहर आके ईट वन बनाना डेली। मैं सुबह के वक्त चाय नहीं पीती हूँ, अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो बनाना खाने के आधे घंटे के बाद आप चाय पी सकते हैं, बट विद वेरी लेस शुगर और नो शुगर। वेट लॉस जर्नी में आपका ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। इंडियन डाइट में रोटी और राइस मस्ट होते हैं, बट प्लीज हो सके तो इन्हें लंच और डिनर के लिए ही छोड़ दें। फॉर ब्रेकफास्ट ईट समथिंग डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट सुबह का मील हमेशा कुछ चेंज करके होना चाहिए, सो यू कैन हैव ओट्स। ज़्यादा नहीं तो वीक में 3 दिन ओट्स ही खाएं। हेल्दी कार्ब्स प्रोटीन के साथ साथ इट इज़ इनरिच्ड विद फाइबर जो इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर आई एम शेयरिंग वेरी इजी रेसिपी ऑफ ओट्स, जिसमें 1.5 कप लो फैट मिल्क में 1/2 कप ऐड करें ओट्स एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। 2 मिनट्स में ये कुक हो जाएंगे। थोड़ा ठंडा होने पे बाउल में डालें, देन ऐड कोकोनट पाउडर। प्रोटीन पाउडर ऑप्शनल है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। देन ऐड दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर। अपने पसंद का फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट ऐड करके इंजॉय अ हेल्दी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर मिड डे स्नैक विच इज़ फ्रूट ऑफ योर चॉइस। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा बट हेल्दी खाते रहने से जो क्रेविंग और एक्सट्रीम हंगर फील होती है वो नहीं होगी और आप ओवर ईटिंग से हमेशा बचे रहेंगे। इंडियन फूड में सैलड मोस्टली हम लोग स्किप कर देते हैं, बट सैलड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मील। सैलड को इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे वेज हैं, किसी भी वे में बनाएं, लेकिन लंच से 1/2 आवर पहले ज़रूर खाएं ताकि लंच के टाइम पे आपको ज़्यादा भूख भी फील ना हो। वैसे भी सैलड बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल से लोडेड होता है और ये आपके ब्लड में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्रीज करता है। लंच में बना रही हूँ मैं सोयाबीन दाल विच इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। इस दाल को बनाने के लिए ओवरनाइट सोक कर दें, सुबह तक इसका दाना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। प्रेशर कुकर में 15 मिनट में ये दाल रेडी हो जाती है। अब रेडी करेंगे इसका तड़का, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में डाला है सबसे पहले जीरा, धनिया पाउडर, प्याज डाल देंगे, साथ ही ग्रीन चिल्ली कटी हुई, कटा हुआ अदरक, हींग, टर्मरिक पाउडर एंड टमाटोज। 10 से 12 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसका पेस्ट हम ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे हम सोयाबीन की दाल जो हमने पहले से बॉईल करके रखी है। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हमेशा ख्याल रखें कि आपके हर मील में कार्ब्स और फैट से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन की होनी चाहिए, एंड सोयाबीन दाल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। रायता बनाने के लिए आप ऐड कर सकते हैं कुछ कटे हुए खीरे के पीसेस, कोरिएंडर लीव्स, पुदीना पत्ता, ग्रीन चिली, सॉल्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, रायता मसाला। लंच में कर्ड ज़रूर खाएं। दही के अलावा आप झटपट से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रायता भी बना सकते हैं। दही प्रोबायोटिक है, सो ये हमारी डेली की डाइट में ज़रूर होना चाहिए। आई डोंट बिलीव कि वेट लॉस में वाइट राइस नहीं खाने चाहिए। अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने सब कुछ खाते हुए ही अपना वेट लूज़ किया है, बट या पोषण कंट्रोल का भी हमेशा ख्याल रखा है विद द मंत्र ऑफ ईट हेल्दी एंड ईट स्लोली। इवनिंग टाइम में हेल्दी स्नैक्स के साथ ग्रीन टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। विंटर्स में आप हॉट ग्रीन टी और समर्स में कोल्ड ग्रीन टी ले सकते हैं। वेट लॉस जर्नी में ये सब चीज़ें आपको रेगुलर फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ग्रीन टी के अलावा आप एक ग्लास लस्सी भी ले सकते हैं।
वी विल हैव मखानाज विद ग्रीन टी। रोस्ट करने के लिए एक टीस्पून देसी घी। अब इसमें मखानाज को कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। देन ऐड करें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुछ ड्राई मिंट लीव्स को क्रश करके डालें एंड एंजॉय। डिनर में है धुली उड़द की दाल और मिक्स वेजिटेबल। दाल को एक विसल लगने तक बॉईल करेंगे विद 1 टीस्पून ऑयल एंड सॉल्ट। इस दाल को तड़का लगाएं 1 टेबलस्पून देसी घी में। अब ऐड करें सूखी लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, हींग, देन ऐड करें गार्लिक। हल्का ब्राउन होने दें और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक, टर्मरिक पाउडर, टोमेटोज डाल दें, ग्रीन चिली डाल दें और उसके बाद इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने दें। और जब ये पक जाए अच्छे से तो इसमें डालेंगे हम दाल और गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। आई थिंक इंडियन कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। सो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल और बाकी का वे सेम ही रहेगा, क्योंकि इंडियन घरों में रेगुलर खाना एक ही पैटर्न से बनता है जिसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज और टोमेटोज के अलावा सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर का यूज़ मस्ट है। देन ऐड वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस, कुक फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड दैट्स इट। ख्याल रहे वेजिटेबल्स को ज़्यादा पका देने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है, सो उन्हें थोड़ा क्रंची ही रहने दें। सब्जी बनने पे उसके बेटर टेस्ट के लिए आप उसमें सब्जी मसाला या गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो डिनर में एक चपाती के साथ दाल जिससे प्रोटीन मिलेगा और सब्जी से विटामिंस। डिनर रात को 7 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी टफ टू अचीव योर फिटनेस गोल्स। सोने से 1 घंटा पहले एक फैट कटर ड्रिंक पीना है। उसके लिए एक ग्राइंडर जार में 1 कप वाटर, 1 टीस्पून माचा ग्रीन टी, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक, आप चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में मिक्स कर लेंगे और इसका एक ड्रिंक रेडी कर लेंगे और डेली कुछ दिनों तक इसे पीकर देखें। आई एम श्योर आप अमेजिंग रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा टू बर्न मोर बेली फैट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्किप कर जाते हैं वो है हाइड्रेटिंग योर बॉडी। प्लीज़ ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर ड्यूरिंग द डे सो दैट यू कैन फ्लश आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी विच हेल्प्स यू टू लूज वेट फास्ट। तो ये था मील प्लान फॉर वेट लॉस। डाइट प्लान के ही रिगार्डिंग मेरी 2 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, अगर आप देखना चाहें तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।